सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज सुबह सुबह अष्टमी का पावन दिन और कर रहे हैं आज की अब हम की बात सागर जैनेंद्र के साथ। आज भक्तों की श्रद्धा के साथ जैसे एक नया खिलवाड़ शुरू हो गया है। हम पाषाण की प्रतिमाएं तो हमें कोई बात नहीं करें, हम आज भर करें जो अष्ट धातु के रूप में प्रतिमाएं पीतल की धातु की तांबे की इस रूप में स्थापित की जाती है उनके अंदर आज करोड़ों के घोटाले किए जा रहे हैं। घोटाले कहना पड़ रहा है क्योंकि दोष वाली प्रतिमा को स्थापित किया जाता है, प्रतिष्ठित करके रख दिया जाता है। और फिर कहते हैं पुण्य क्यों नहीं मिलता जब हम दोष वाली प्रतिमा को रखते हैं। और ये प्रतिमाएं आजकल हमारे देश से नहीं, ये विदेशों से बन के आती है, विशेषकर चाइना से आजकल बहुत बड़ी संख्या में इस तरह की प्रतिमाएं आ रही हैं। इसका खुलासा हुआ जब एक विदेशी विदिशा से सज्जन पहुंच गए प्रतिमा को लेकर। कहते हैं 20 टन की प्रतिमा लेके गए थे और जब मालूम चला गया प्रतिमा कितने दोष वाली है, अंदर प्रतिमा ठोस नहीं होती है, खोखली होती है, लोहा तांबा का इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर लोहा के, और कुछ तो कहते हैं प्लास्टिक तक को खोखली प्रतिमा होती है और पता नहीं कितना गंदा जो धातु है उसको वहां पर उसके अंदर भरा जाता है। जब ऐसी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित करेंगे तो क्या उनसे हमें फल मिलेगा? सोचने वाली बात है। आज इस तरह की प्रतिमाएं हमारे कई मंदिरों में शायद संभवतः आ गई हैं, क्योंकि मुनि पुंग और शिवसागर जी किसी बात को जब कहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रमाण के साथ कहते हैं। आज लोगों की क्या यह करोड़ों का घोटाला कह दिया जाए आपके साथ, या कहा जाए लाखों करोड़ों की मूल्य जो दान दिए हैं उसका फर्क है, या हमारी श्रद्धा जो थी अटूट उसको टूटना खंड खंड करने का तरीका है, क्या है ऐसी? आपको विश्वास नहीं हुआ कि आजकल मंदिरों में इस तरह की प्रतिमाएं जो चाइना से आ रही हैं वो कुछ इसी तरह की हैं। और वो पता है बौद्ध श्रेणी में बनती है। बौद्ध प्रतिमा क्या होती है? लगभग अंदर खोखली होती है, उसी रूप में बनाई जाती है, अंदर कई तो गर्डर भर दी जाती है छोटे छोटे करके। क्या इस तरह की प्रतिमाओं की आस्था में कुछ आपको मिल पाएगा? ये दोष की प्रतिमाएं कुछ कर पाएंगी? सीधे सुनते हैं मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी से। मूर्तियों को बहुत सावधानी से ही बैठाना चाहिए। नाना प्रकार की मूर्तियाँ, अभी एक मूर्ति की जांच कराई गई, चाइना से बन के आई, वो उनको जांच कराई गई तो अंदर लोहा निकला, अंदर पीतल निकला, अभी पोली निकली, पूरी पोली है, तीन परतें लगा दी और अंदर पोली हो, बाहर से बहुत अच्छी मूर्ति दिख रही और बहुत बड़ी मूर्ति वहाँ पर, और 20 टन की मूर्ति लगभग है। विदिशा के पास से कोई सज्जन लाए थे और उन्होंने पूरी मूर्तियां टेस्ट कराईं जितनी ये चाइना से बन के आईं। ये मूर्तियां अंदर बिल्कुल खोखली हैं, दूसरी निकृष्ट धातु भरी पड़ी हैं, और वो जैन मूर्ति है ही नहीं, वो तो बौद्ध मूर्ति है। और बौद्ध मूर्तियां ऐसी बनती हैं कि नीचे पोली होती हैं, ऊपर से खोल चढ़ा दी जाती है। बौद्ध मूर्ति सभी ऐसे ही बनती हैं। 400 फीट की मूर्ति कैसे बनेगी? 400 मानी बस वो चद्दर ठोकते जाते हैं और बनाते जाते हैं। तो जितनी ये चाइना की मूर्तियाँ आई हैं या आती हैं ये सब शुभ नहीं हैं, अशुभ हैं और आगम सम्मत नहीं हैं। अब अपन लोग पहले ज्ञान नहीं होता है तो लोग शिल्पी लोग अपन को ठग लेते हैं, तो अब गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, अपन नवज्ञानी तो है नहीं। अब वो अब पता चल रहा है, पहले पता नहीं था। और कई लोग बनवाने वाले हैं, ब्रह्मचारी हैं, प्रतिष्ठाचारी आदि हैं, इन लोगों को इतना ध्यान रखते नहीं हैं, उनको सब ध्यान रखना चाहिए। प्रतिष्ठा पाठ में यहाँ तक लिखा है कि मूर्ति बनने के पहले जो मटेरियल है उस मटेरियल की जांच प्रतिष्ठाचारी को करना चाहिए। पाषाण के अंदर उन्होंने दिया कि ऐसे पाषाण जिनके अंदर मेंढक हो, एक पाषाण के ऊपर एक लेप आता है, लेप लगा दो तो पता चल जाएगा इस पत्थर के अंदर मेंढक है, हाँ मेंढक है, पानी है। तो ये सब जांच करने के लिए कहा, शिला पूजन बोलते हैं। अब आज वो तो सब होते नहीं हैं, शिल्पी जैसी बना देता है वैसी बन जाते हैं और इतना नुकसान, फिर बाद में वो नुकसान होता है। अब ऐसी जो मूर्तियाँ अभी विदिशा वालों ने जो चेक कराया जांच में, मेरी भी आत्मा काम, इतनी बड़ी प्रतिमा लाखों करोड़ों रुपए की प्रतिमाएं बन गई, बनती गई लाखों करोड़ों की, सबकी आंख में धूल झोंकते रहे बनवाने वाले,
और वो बनाते गए, अपन बैठालते गए, लेकिन बहुत बड़े दुष्परिणाम निकल रहे हैं। बहुत साल पहले की घटना है, लगभग होगी 85-86 की घटना। एक मूर्ति में ढालते समय उसने लोहे के गाटर बिछा दिए टुकड़े करके, भट्टी में 11 फीट की, 10.5 फीट की लगभग प्रतिमा थी, और पूरा बक्सा बनाया, सिल्लियाँ जमाई जाती हैं, और उन्होंने गाटर जमा दिए बीच में। अब वो मूर्ति जब बन के आई, भाग्य से वो मूर्ति देखने का मौका मुझे मिला, अब मेरी दृष्टि थोड़ी बारीक है, तो एक यहाँ पर एक दाग था काला, तो मैंने कहा ये दाग ठीक नहीं रहेगा, इसको निकालो। तो उसका जितना घिसते जाए वो दाग और बढ़ता जाए, तो मैंने कहा दाग घटना चाहिए, बढ़ क्यों रहा है? बढ़ता गया, वो मतलब 1 सेंटीमीटर से कम था, बढ़ते बढ़ते 1 इंच हो गया। मैंने कहा ये तो बढ़ रहा है, चेक कराओ। जब मूर्ति खुलवाई, कोर्ट केस हुआ, और उसमें लोहे के गाटर निकले, सीधे लोहे के गाटर, जो गाटर होते ना टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। बहुत बड़ा केस चला था उसमें। फिर उसके लिए केस ये हुआ, उस दुकान मूर्ति वाले को पुनः मूर्ति बना करके देना पड़ी। कोर्ट से यही निर्णय अंत में हुआ, उसको सजा मिलने वाली थी, लेकिन अपन लोगों को दया आ गई, भाई तू तो मेरी मूर्ति बना के दे दे, बस कुछ नहीं। तो ऐसी बदमाशियाँ इन पीतल की तांबे की मूर्तियों में होती हैं। तो मूर्तियों में बहुत सावधान, ये करीबन 30-40 साल पुरानी घटना है। ऐसी मूर्तियाँ सारे भारत में आ रही हैं, बहुत सावधान रहो महानुभाव, कहीं ऐसा ना हो कि आप करें अच्छा काम और हो जाए आपके लिए, फिर आप भगवान को बदनाम करोगे। हमने जब से भगवान बैठा ले तब से हमारे पर सदोष भगवान है, आगम क्या करे। तो ये बहुत अच्छा नहीं है। मूर्तियाँ जांच की गई, अभी वो विदिशा वालों की जांच फोटो रखी मेरे पास, बिल्कुल सीधी पूरी फोटो पूरी है, और अंदर कौन सा काला मटेरियल भर दिया, और बाहर से शाइनिंग चमक रही है, बाद में सब बिगड़ जाते हैं। ये होता, ऐसी मूर्तियां नहीं बैठाना है, दोष की प्रतिमा है। अब इन्हें ही रहने दिया जाए या इनको हटाया जाए? हटाएं तो समझ लो करोड़ों रुपए स्वाहा, जी हाँ, और फिर दोबारा करें तो मुनिपुंग सुधार जी कहते हैं इनको हटाना ही, चाहे करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो जाए, ज्यादा श्रेयस्कर है, बनस्पत इनको वहीं रहने दो। दोष के साथ प्रतिमाएं जिनाले में होंगी तो कुछ नहीं करेंगी, वहां अतिशय नहीं नुकसान के संकेत मिलेंगे। फिर आप कहेंगे हमारी श्रद्धा तो बहुत मजबूत थी, हमारे जिनाले ऐसे थे, तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे यहाँ? ये बात क्लियर करते हैं मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी। सुनते जाइए और खबरदार, पहचान लीजिए कहाँ कहाँ इस तरह की प्रतिमाएं आई हैं, जांच करवाइए, और तब ध्यान रखिए प्रतिमाओं से अतिशय आज क्यों ऐसी नकली प्रतिमाएं आने के बाद नहीं होते हैं, विशेषकर जब पड़ोस के चीन से इस तरह की प्रतिमाएं बड़ी संख्या में आजकल आ रही हैं, खोखली नकली रूप में, जिनमें आस्था नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती। सुनिए, हाँ, बैठी हो उनको पुनः विसर्जित करके पुनः प्रतिष्ठा हो सकती है, उनका विसर्जन हो सकता है, नए सिरे से ढाली जा सकती हैं, कोई बात नहीं, सदोष हो जाता है, संसार है, 80 नकली माल तो है, संसार को तो अपन रोक नहीं सकते, हो जाते हैं, अपनी भी चूक हो जाती है। इसका एक ही तरीका है कि उन मूर्तियों को यथायोग प्रतिष्ठित हो गई हो तो इथायोग प्रतिष्ठाचार्य बैठ कर उसका विसर्जन करें, और पुनः उनको ढलवा करके निर्दोष प्रतिमाओं को उसी रूप में स्थापित किया जाए, प्राचीन रूप में। और नई मूर्तियां तो जो प्रतिष्ठा नहीं हो, तो उन लोगों के से तो कहना है कि इन मूर्तियों को कदापि नहीं, चाहे भली करोड़ों का नुकसान हो गया हो तो हो जाने दो, लेकिन गलत मूर्ति, अभी तो करोड़ ही गए हैं, और बैठने के बाद तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाएगा, इसलिए करोड़ों का नुकसान हो गया तो हो जाने दो। लेकिन ऐसी मूर्तियां जिनकी जांच हो रही है, जांच करवा करके निर्दोष बैठा लो, हमारे यहाँ सबका आगम प्रमाण लिखा है।